रूम पे लेकर करो, ध्यान नहीं होगा। चलो रूम पे से आपने रूम पे बाहर नहीं, क्यों सर? एकदम नहीं, बाहर नहीं करने देंगे हम। परमिशन लो तो होगा, किसी से परमिशन लिए हो? सर परमिशन मिलती है? हाँ नहीं मिलती, एकदम नहीं मिलेगी इसके लिए, नहीं मिलेगी। अपने रूम में करो, यूनिवर्सिटी के बाहर करो। कौन रोका है? ये पढ़ने की जगह है सर, पढ़ने के लिए नहीं। नहीं सर, जयंती है सर, मना सकते हैं सर। मैं कहाँ कर रहा हूँ, बाहर जाकर करो ना, मंदिरें सारी हैं सर। मंदिर तो नहीं है, सारे पंडाल लगे हैं, तो हॉस्टल नहीं है। बाकी आप लोग करो, चलो करो बाबू भाई। सर देखिए, हम तो पूजा करेंगे, आप हमें हॉस्टल कर रहा हूँ, दिमाग खराब ना करो सर। क्यों क्यों सर? एकदम नहीं, परमिशन लो, परमिशन ले लो, परमिशन लेके होगा सर। परमिशन दिलाइए, हाँ परमिशन। आप यहाँ बैठे तो लेना नहीं, बैठे नहीं होगा। चलो हटा दो, चलो 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 चलते रूम पे, चलो परमिशन लो करो। हम तो कहते अकेले नहीं करता है, सिस्टम है उस हिसाब से काम करता है। यदि आपको कभी कार्यक्रम करना हो, आपको पहले से उसको अवगत कराना चाहिए था, उस पर विचार विमर्श होता, आपको बताया जाता कि साहब ये कार्यक्रम इस तरीके से संपादित कर सकते हैं, ये कार्यक्रम नहीं। गलत है, शिवाजी महाराज हम लोगों के सबके प्रेरणा स्रोत हैं, भारत के इतिहास में उनका बड़ा नाम है, और उनसे किसी जाति या विशेष धर्म को जोड़ना सही नहीं होएगा। इसलिए इस प्रकार की जो चीजें हैं नहीं होनी चाहिए थी, और इसकी अनुमति देनी चाहिए, क्योंकि भारत के अंदर शिवाजी महाराज के जयंती मनाया जाए तो उससे एक भारत की एकता ही नहीं, भारत के इतिहास से जुड़े हुए वो पन्ने जुड़ते हैं जिससे राष्ट्रवाद जागता है, और इस राष्ट्रवाद को कोई रोकता है तो वो सही काम नहीं कर रहा है। महापुरुषों की जयंती मनाने की परंपराएं और परिपाटी भी रही है। शिवाजी का जहां तक स्थान है, इस देश की अखंडता, स्वतंत्रता और देश की सामाजिक समरसता में उनका बहुत बड़ा स्थान है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निश्चित रूप से इसकी निंदा की जाती है। कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए जिन लोगों ने ऐसा किया? बिल्कुल जांच करानी चाहिए, जिन लोगों ने इस पे कहीं ना कहीं रोक टोक की है, इसकी जांच करके कार्रवाई करनी चाहिए।